फातिमा सुरैया बजिया मेरी तो हीरोइन है और उनकी हीरोइन होने की वजह यह है कि मुझे तकरीबन डेढ़ पौने दो साल हो गए उनके साथ टाइम गुजारते हुए। मैं उनके साथ हफ्ते में दो तीन ज़रूर जा के आता, एक घंटा बैठता हूँ। और जब से मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और इंक्रीज़ हो गई है। मैंने उनसे सलाम करना सीखा है, मैंने उनसे सलाम का जवाब देना सीखा है, मैंने उनसे ये सीखा है कि किस तरीके से आप दरवाज़े को किसी के लिए भी खोल सकते हैं और कुछ नहीं होता है। मैंने उनसे ये सीखा है कि किस तरीके से आप लोगों को प्यार दे सकते हैं, किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को खुश कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को ये फील करा सकते हैं कि वो मिलियन डॉलर्स वर्थ है। मैंने उनसे ये सीखा है कि किस तरीके से आप एक ही टेबल पर बैठ के नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के उनसे प्यार के ज़रिए उनको बिल्कुल फू करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गौर से सुनो मेरे पाकिस्तानी बच्चों, भाइयों, बहनों, जिसको मशीनों का इस्तेमाल आता है सुने गौर से कि कल हम उनकी इंडिया वालों की आज़ादी का दिन है, उनका यौम आज़ादी है और हम लोगों को चाहिए कि हम उनको मुबारकबाद दें और बड़े पैमाने पे दें, 50 आदमियों को दें, 100 को दें, 1000 को दें, पूरे हिंदुस्तान को दें कि अल्लाह उनको आबाद रखे, अल्लाह उनको दुश्मनों से महफूज रखे, अल्लाह उनको इत्मीनान दे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनको सही रास्ते में रखे और उनके दिल में भी हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत पैदा करें। फातिमा सैया बजिया ने, मैं तो गिन भी नहीं सकता कि कितने अवार्ड्स हासिल किए हैं उनको। पाकिस्तान के अंदर बेबहाया अवार्ड्स मिले हैं। उसके अलावा उनको किंग ऑफ जापान ने ऑनर दिया है, उसके अलावा उनको क्वीन ऑफ इंग्लैंड से उनकी मुलाकात है। उसके अलावा जिस तरह आप उनसे जाके मिलेंगे, पहली दफ़ा आप उनके पास जाएंगे तो आपको पहला अवार्ड तो वहीं मिल जाएगा। उनको अवार्ड तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उनसे मिलने का अवार्ड जरूर मिल जाएगा। वो अवार्ड ये होगा कि आपसे इतनी मोहब्बत से मिलेंगी, इतनी मोहब्बत से मिलेंगी और इतना आपको फील करेंगी जैसे आप पता नहीं कितने सौ साल के बाद बिछड़े हुए उनसे मिले। तो मेरे ख्याल में उनकी ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है। फातिमा सैया बजिया के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो कि हम गवर्नमेंट का पावर समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास में ताकत होती है। और कोई डिग्री नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन मैंने उनके सामने हर इंसान को जो इस शहर में इस मुल्क में रहने वाला है झुकते हुए पाया है इज़्ज़त की वजह से। क्योंकि जितनी इज़्ज़त वो आपको मिलने के बाद देती हैं उतनी ही इज़्ज़त दूसरा आदमी उनको ऑटोमेटिकली वापस करता है। एक और बात जो मुझे उनकी बहुत पसंद है कि वो जब कोई किसी को बुरा कहना होता है तो कहती हैं कि नादान है, बेवकूफ़ है। तो कोई बात नहीं, इनकी बेवकूफ़ी को इग्नोर कर दो, छोड़ दो, करने लगा अहमक है। कभी भी मैंने उनके मुंह से बहुत मोटा कड़वा अल्फाज नहीं सुना। वो अहमक जो है वही बेवकूफ़ तरीन जो है वही मोटा तरीन किसी के लिए बात होती है उनके मुँह से। मैंने उनके हाथों से प्रेजिडेंट्स के लिए भी काम होते हुए देखा है और बिल्कुल फ़कीरों को भी अपने गले लगाते हुए देखा। तो बजिया सबकी ही बजिया हैं और यही उनकी हीरोइन होने की वजह है।